तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिमिनेशन चैम्बर 2020 के बारे में कि WWE ने कौन से ऐसे मैचेस सेट किए जो हमें कल एलिमिनेशन चैम्बर में देखने के लिए मिलेंगे, और थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से वो सुपरस्टार है जो हमें एलिमिनेशन चैम्बर में जीते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इस वीडियो को देखना एंड तक यार। इस वीडियो में मैं रखता हूँ सिर्फ 50 लाइक का, वीडियो पर 50 लाइक कम्प्लीट करवा देना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आप सभी को यार एक बात निराश जरूर करेगी कि हमें बड़े बड़े सुपरस्टार का कोई भी मैच एलिमिनेशन चैम्बर में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो यार वैसे ऐसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमें रोमन रेंस या गोल्डबर्ग, द फिएंड, ब्रेवाइट जोन से ना ऐसे किसी भी सुपरस्टार का मैच देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर WWE ने तो हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हमें एलिमिनेशन चैम्बर ऐसे ही देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ मैचेस तो है जो देखने लायक है, उसी के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक मैच से। तो सबसे पहले मैच की बात करूँ तो वो है वुमेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच। जो भी इस मैच में जीतेगा ना उस सुपरस्टार को मौका मिलेगा रेसलमेनिया 36 में WWE रो वुमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच रेसल करने का। अभी इसमें सुपरस्टार कौन कौन से हैं तो इसमें मैच कुछ इस तरह का है, नेटालिया वर्सेस लिम मॉर्गन वर्सेस शाइना बेजलर वर्सेस आस्का वर्सेस रूबी रायट वर्सेस सारा लोगन। सोमेन 6 सुपरस्टार के बीच ही एक मैच देखने के लिए मिलेगा जो कल एलिमिनेशन चैम्बर में होगा। तो अगर मैं यहाँ पर मैच के बैनर की बात करूँ तो इस मैच में हमें इन 6 सुपरस्टार में से कोई एक कौन सा सुपरस्टार जीता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर चांसेस शाइना बेजलर के हैं, क्योंकि शाइना बेजलर ने काफ़ी सारे अटैक किए थे बैकी लिंच पर, जैसे कि आपने देखा ही होगा कुछ पिछली रो पर। तो भी जो रो वुमेंस चैंपियन है वो भी अभी बैकी लिंच के पास है, तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस शाइना बेजलर के ही है जीतने के। अगर वो जीत जाती है तो उन्हें मौका मिलेगा रेसलमेनिया में बैकी लिंच के साथ रेसल करने का। अभी यहाँ पर WWE भी ज़्यादा फोकस शाइना बेजलर पर ही कर रही हैं, तो यहाँ पर चांसेस ज़्यादा शाइना बेजलर के ही है। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि इस मैच में हमें कौन सी सुपरस्टार जो जीती हुई दिखाई देगी। हालांकि यहाँ पर WWE करने को यार कुछ भी कर सकती है, हम यहाँ पर कोई और सुपरस्टार को भी जितवा सकती है अगर WWE शो करना चाहती हो WWE फैंस को। तो वैसे आप अपनी राय जरूर देना कि आपको कौन सी सुपरस्टार लगती है जो हमें जीती हुई दिखाई देगी इस मैच में। अभी हम बात करते हैं अगले मैच की जो होगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए 3-on-1 हैंडीकैप मैच। तो एक साइड है ब्रॉन स्ट्रोमन, तो दूसरी साइड है शिंसुके नाकामुरा, सेजारो एंड सैमी ज़ेन। तो देखो जो तीनों ही सुपरस्टार फाइट करेंगे ब्रॉन स्ट्रोमन के खिलाफ, तो पता नहीं यार WWE ने इस मैच को किस तरह से सेट कर दिया। अगर शिंसुके नाकामुरा की टीम जीत भी जाती है तो पता नहीं यार किस सुपरस्टार के पास ये जो भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है किसके पास जाएगी। लेकिन यार ऐसा होगा तो नहीं, अगर यार सच में यहाँ पर शिंसुके नाकामुरा की टीम जीत जाती है तो पता नहीं यार किस सुपरस्टार को जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप दी जाएगी, क्योंकि एक साइड हमें 3 सुपरस्टार देखने के लिए मिलेंगे और एक साइड है ब्रॉन स्ट्रोमन। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि इस मैच में हमें कौन जीता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि वो अपना टाइटल रिटेन कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद यार ये मैच हमें डिस्क्वालीफाइड भी होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि एक साइड हमें 3 सुपरस्टार देखने के लिए मिलेंगे। तो यार वैसे आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि ब्रॉन स्ट्रोमन इन तीनों ही सुपरस्टार को संभाल लेंगे या फिर यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन को हार झेलनी पड़ेगी। वैसे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट मैच की जो होगा स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एलिमिनेशन चैम्बर में। तो एक साइड है द मेज एंड जॉन मॉर्जन वर्सेज द न्यू डे वर्सेज द उसोस वर्सेज हैवी मशीनरी वर्सेज लूचा हाउस पार्टी वर्सेज डॉल्फ जिगलर एंड रॉबर्ट रूट। ये मैच हमें पहले भी एक बार देखने के लिए मिल चुका है, लेकिन उसका कुछ थोड़ा अलग टाइप का था। वो मैच एक गॉन्टलेट मैच था, जो भी उस मैच में जीता है उसे मौका मिलेगा एलिमिनेशन चैम्बर में लास्ट एंट्रेंस का। और उस मैच का हमें विनर भी देखने के लिए मिल चुका है, वो है डॉल्फ जिगलर एंड रॉबर्ट रूट। तो जहाँ से साफ पता चलता है कि डॉल्फ जिगलर एंड रॉबर्ट रूट को यार बहुत आसान हो जाएगा इस मैच में जीत हासिल करना, क्योंकि उनकी एंट्रेंस एकदम हमें लास्ट पर देखने के लिए मिलेगी। तो देखते हैं कि WWE इस मैच को किस तरह से सेट करती है और क्या क्या हमें इस मैच में देखने के लिए मिलता है। वैसे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि इस मैच में हमें कौन सा बैनर देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर यार चांसेस ज़्यादा द मिज एंड जॉन मॉर्जन के जीतने के, क्योंकि उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अपना टैग टीम को जीते हुए। तो शायद इस मैच में हमें द मिज एंड जॉन मॉर्जन अपना टाइटल रिटेन करते हुए दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पर यार डॉल्फ जिगलर एंड ओटिस के बीच हमें कुछ ना कुछ अंधवंध देखने के लिए मिल ही सकती है। तो आपको पता है कि इन दोनों सुपरस्टार के बीच स्मैकडाउन पर क्या चल रहा है अगर आप स्मैकडाउन एकदम देखते हो।
तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट मैच की, जो होगा नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच एलेस्टर ब्लैक वर्सेस एजे स्टाइल। अभी एजे स्टाइल का हमें मैच देखने के लिए मिला था सुपर शो डाउन में, वहां पर अंडरटेकर ने साफ साफ चैलेंज कर दिया था, और वहां पर हमें एक मैच भी देखने के लिए मिला था, मतलब एकदम छोटा सा मैच था एजे स्टाइल वर्सेज अंडरटेकर, और वहाँ पर अंडरटेकर ने बड़े आराम से जीत हासिल कर ली थी। लेकिन उस वाले सुपर शो डाउन के बाद जब रो आया तो वहाँ पर भी हमें एक मैच देखने के लिए मिला एलेस्टर ब्लैक वर्सेस एजे स्टाइल। वहाँ पर एजे स्टाइल ने फिनिशर मूव यूज़ किया अंडरटेकर का जब उन्होंने हरा दिया एलेस्टर ब्लैक को, तो इसी के चलते हुए WWE ने कोर मैच फिक्स किया एलिमिनेशन चैम्बर के लिए। लेकिन ये मैच एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच होगा, ये मैच एक एलेस्टर ब्लैक वर्सेज एजे स्टाइल का होगा। तो देखते हैं कि WWE इस मैच को किस तरह से बुक करती है, और हमें इस मैच में कौन सा सुपरस्टार है जो जीता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि ऐसा मैच हो सकता है कि मैच मतलब हमें तगड़ा वाला दे दोनों ही सुपरस्टार। वैसे यहाँ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है इन दोनों ही सुपरस्टार के बीच में से कौन सा हमें एक सुपरस्टार जीता हुआ दिखाई देगा, और क्या जहाँ पर अंडरटेकर फिर से आएंगे। तो देखते हैं कल वाली एलिमिनेशन चैम्बर में आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। सो अभी हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट मैच की, जो होगा रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जो मैच होगा द स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस सेथ रॉल्स एंड बडी मर्फी। तो अभी आपने देखा ही होगा कि स्ट्रीट प्रॉफिट अभी रॉ टैग टीम चैंपियन न्यू बने हैं, तो वहाँ पर हमें लास्ट रॉ पर द स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस सेथ रॉल्स एंड बडी मर्फी के बीच एक मैच देखने के लिए मिला था। लेकिन उस मैच में द स्ट्रीट प्रॉफिट ने जीत हासिल कर ली थी और वो बन गए थे रॉ टैग टीम चैंपियन। तो यहाँ पर यार कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमें अभी सेथ रॉल्स एंड बडी मर्फी जीते हुए दिखाई देंगे एलिमिनेशन चैम्बर में, क्योंकि अभी द स्ट्रीट प्रॉफिट न्यू चैंपियन बने हैं, तो यहाँ पर उनके पास काफ़ी देर तक जो टाइटल रहने वाला है। तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस द स्ट्रीट प्रॉफिट के ही है कि वो किसी ना किसी तरह से अपने टाइटल रिटेन कर लेगी। अभी यह नहीं पता कि वो क्लियर सेथ रॉल्स एंड बडी मर्फी को हरा देगी, या फिर यहाँ हमें जो मैच में डिस्क्वालिफिकेशन होती हुई दिखाई देती है AOP की टीम की ओर से। वैसे आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि इस मैच में कौन सी टीम हमें जीती हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं, जो का यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए एंड्राडे वर्सेस हम्बर्टो कैरिलो, जो हमें कल एलिमिनेशन चैम्बर में देखने के लिए मिलेगा। तो एंड्राडे एंड हम्बर्टो कैरिलो के बीच हमें काफ़ी दिनों से एक दूसरे के बीच ब्रोल देखने के लिए मिलता है, कभी हम्बर्टो कैरिलो अटैक कर देते हैं एंड्राडे पर, तो कभी एंड्राडे हम्बर्टो कैरिलो पर। तो जहाँ पर हमें जो यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए मैच देखने के लिए मिलेगा, अगर मैं इस मैच के बैनर की बात करूँ तो यार मैच में बैनर चूज़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो देखो एंड्राडे के पास जो यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप काफ़ी दिनों से है, तो यहाँ पर चांसेस हो सकते हैं कि हम्बर्टो कैरिलो हमें इस मैच में जीते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर WWE ऐसा चाहती है तो शायद हमें वो जीते हुए दिखाई दे भी सकते हैं। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि हमें हम्बर्टो कैरिलो न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप बनते हुए दिखाई देते हैं, या फिर एंड्राडे अपना यूनाइटेड स्टेट चैंपियन फिर से रिटेन कर लेते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट मैच की, जो यार एक जैसे सिंपल सा मैच होगा मेरे हिसाब से, डैनियल ब्रायन वर्सेस ड्रू गुलाक। तो इसमें यार कोई भी मतलब ना ही इसमें टाइटल है और ना ही जो चैम्बर में। तो देखो यहाँ पर डैनियल ब्रायन के साथ WWE किसकी सुपरस्टार के साथ मैच करवा रही है, तो यहाँ पर पूरे चांसेस है कि हमें इस मैच में डैनियल ब्रायन जीते हुए दिखाई देंगे। अगर यार जहाँ पर ड्रू गुलाक जीत जाते तो डैनियल ब्रायन के लिए बहुत ही इंसल्ट वाली बात होगी, क्योंकि डैनियल ब्रायन है ही इतने तगड़े वाले सुपरस्टार और उन्होंने काफ़ी WWE कंपनी से नाम कमाया। तो यार वैसे जहाँ पर ये कहना बनता तो नहीं है कि हमें जहाँ पर ड्रू गुलाक जीते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जहाँ पर WWE कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन जहाँ पर चांसेस बहुत ही ज़्यादा है डैनियल ब्रायन के जीतने के। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि मैं इस मैच में हमें कौन सा सुपरस्टार जीता हुआ दिखाई देगा। तो यार जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, इस वीडियो में एम रखता हूँ सिर्फ 50 लाइक का, वीडियो पर 50 लाइक कंप्लीट करवा देना, और बाकी हमें एलिमिनेशन चैम्बर कल देखने के लिए मिलेगा।